जीत हम हो गए रेडी जो है ना रूबी, एक रूबी और एक जे टॉड का ये वाला जो परफ्यूम है ना, ये मेरा मोस्ट फेवरेट परफ्यूम है और मैं हमेशा जो है ना यही लगाती हूँ, मुझे ये बहुत पसंद है। चल हम थोड़ा सा जो है ना इसको लगा लेते हैं। ये देखें आमना का हाल। आमना, ये तुमने क्या हाल किया है, है? सारी चादरें जो तुमने बखेर दी है यहाँ पे, कपड़े टंगे हुए हैं यहाँ पे, जिस तरह किसी को सूली पर लटकाया हुआ है, टांका हुआ है। जी तो कपड़े धुल गए हैं अभी जो है ना, बाकी अभी कपड़े डाले हैं। जीत आज हम कर रहे हैं जी, आज हमने लगाई हुई है मशीन, आज हम धो रहे हैं कपड़े। तो ये वाला मेरा ड्रेस है जो कि मैं अभी इस्त्री करके पहनूंगी और ये इसके साथ है ट्राउजर मेरा। और रानिया तो नहा चुकी है और रानिया जो है ना आज ये जिद कर रही थी कि मैंने ये कपड़े नहीं पहने, मैंने इसके साथ पैंट नहीं पहनी, मैंने कहा अच्छी लग रही है पहनो। तो रानिया बस ब्रश करने लगी है, तो बस सारी बेडशीट जो उतारी है हमने, सारी जो है ना आज धोई है, उस कमरे की भी बेडशीट उतारी है। तो बस ये आमना को देखो क्या कर रही है। आमना क्या कर रही हो? मैं तो काम कर रही थी, काम ही था। आप क्या कर रही हो? बूम बूम ये यही देखती रहती है। आज हमारे सफाई का दिन है, आज रानिया को स्कूल से छुट्टी थी, पूरा दिन सो लिया और थकावट तो थक गई, तो हमने कहा आज सफाई करके कपड़े धोते हैं, कुछ साफ करते हैं और इसके बाद बाइक जाकर। हाँ जी, आप क्या काके तो कितना प्यारा लग रहा है, काके का ड्रेस कितना अच्छा लग रहा है ना काके। वो गाना सुना ना, ओए होए हाय होए होए। चले जी मैं आपको दिखाती हूँ, हमने जो है ये आज मशीन लगाई भी है, तो बस ये कपड़े सपड़े सारे पड़े हुए हैं, बस ये कपड़े जो है ना बस धुल रहे हैं, बेडशीटें डाली हुई हैं अंदर और ये आमना खड़ी हुई है। आज लॉन्ड्री का दिन है, आज छुट्टी। हाँ जी, अभी ब्रश नहीं हुआ आपका, सही है। हाँ चलो, अरे सारा बस सामान जो है ना बस दिख रहा हुआ है, बेडशीटें भी दिख रही है धोने के लिए रखी। आमना को तो गाना लगाए, आय हाय ओए होए। कौन सा गाना सुनना है आपने? कौन सा सुनना है? ओए यार, यार कितनी औसम है यार, आय हाय ओए होए। हाँ जी, आपका हो गया ब्रश, तो आपका पेपर है परसों मैथ्स का, मैथ्स का आपको आता है, तैयारी करनी है आपने उर्दू की, सही है? आज उर्दू की तैयारी कर लो। मैं बस अभी नहाऊंगी ना, तो फिर मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है? मैथ्स के बाद उर्दू का। हाँ चलो, तो बस रानिया का बेड है, इसकी बेडशीट उतारी हुई है सारी, हमने जो है ना बेडशीटें उतारी हुई है, तो बस इस कमरे की भी जो है ना बेडशीट हमने उतारी हुई है, तो बस कपड़े बिखरे हैं मैं सारे अलमारी से निकाल के, ये बच्चों की अलमारी है तो बस बच्चों की अलमारी का यही हाल रहता है। हो गई, तो लो जी कहती कि अब तुम डांस करो। हाँ। मैंने गाना लगा दिया, सही है। तो बस ये रचनारा सुन रही है गाने, इसको जो शौक चढ़ा हुआ है गाने सुनने का, तो आमना जो है ना कपड़े इस्त्री कर रही है, मैंने कहा मैं नहा लूँ, आमना कहती है आप नहा लें फटाफट, जो है ना मैं कपड़े आप इस्त्री कर देती हूँ। तो रानिया के तो मैंने कर दिए, बच्चे तो तैयार हो गए हैं, जहाँ तो हम कहीं नहीं रहे, लेकिन वैसे ही जाना ना, हाँ कि आपको पता है गर्मी बहुत ज़्यादा, तो बच्चे तो तैयार हो गए हैं। लो ये शनायरा को बस देख ली, शनायरा बस करो, गिर जाओगी। ये सोफे पे चादरें हमने इसलिए दी हुई हैं क्योंकि सारे बच्चे बैठते हैं, तो फिर जाना वो सारे सोफे गंदे हो जाते हैं, इसलिए जो है ना चादरें हमने उतारते हैं, वो जब कोई मेहमान आते हैं तब हम जो है उसको उतार लेते हैं। तो रानिया भी अपनी ले गई हुई है वहाँ से उर्दू की कॉपी, क्योंकि उसका पेपर है, मैंने कहा आप लेके आओ। ये देखें आमना का हाल। आमना, ये तुमने क्या हाल किया है, हैं? सारी चादरें जो है तुमने बखेर दी हैं यहाँ पे, यही तरीका होता है चादरें निकालने का? अलमारी सेट करने लगी हूँ इसलिए मैंने कहा चादर। अच्छा सेट करने लगी हूँ, सही है। चलो आमना बिछाने लगी है इधर बेड पे बेडशीट, तो बेडशीट निकाल के लेके आई है। जी मेरे कपड़े टंगे हुए हैं यहाँ पे, जिस तरह किसी को सूली पर लटकाया हुआ है, टांका हुआ है। आमना ने मेरे कपड़े इस्त्री कर दिए हैं जी, ये मेरा है पजामा और ये है मेरी शर्ट। टन चले अब हम जाते हैं, आमना तो फटाफट कर लो, मैंने मशीन में कपड़े डाल दिए हैं, और तो फिर ये कि उनको निकाल के डाला ना, ऊपर बंद होगी तो हाँ सही, मशीन तो अपने आप बंद हो जाएगी, तो मेरे पास कपड़े निकाल के टोकरी में डालने। हाँ बंद करना, सही है। हाँ मैं बेड की बेडशीट में तुम्हें निकाल देती हूँ, तो मेरी तो तुमने निकाल दिया, चलो ये बिछाओ, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। हाँ।
1 hour later. जीत हम हो गए रेडी, बस शावर ले लिया, रेडी शेडी हो गए हैं, तो बस आमना ने भी कमरा जाना सारा सेट बेट कर दिया है, शनारा रानिया का बेड भी और हमारा बेड भी सेट बेट कर दिया है। तो है ना रूबी, एक रूबी और एक जे जॉर्ड का ये वाला जो परफ्यूम है ना, ये मेरा मोस्ट फेवरेट परफ्यूम है और मैं हमेशा जो है ना यही लगाती हूँ, मुझे ये बहुत पसंद है। चल हम थोड़ा सा जो है ना इसको लगा लेते हैं। हाँ जी, आपको क्या हुआ? अच्छा चलो सही, तो चले अब हम देखते हैं कि कपड़े कहाँ तक पहुँचे हैं, कितने कपड़े रहते हैं धोने वाले, तो हम आपको दिखाते हैं। सही है, क्या कर रही हो? हैं क्या कर रही हो? अच्छा तो अभी तो कपड़े आमना ने निकाल दिए हैं, तो चलिए अभी तो उसने मशीन से निकाल लिए हैं, अब डालती हूँ मैं ये वाले कपड़े अपने कपड़े मशीन में, और फिर अभी तो तकरीबन समझ लें घंटा और लगेगा कपड़ों पे। तो चलिए ठीक है जी, अब हम धोते हैं कपड़े। जी तो कपड़े धुल गए हैं, अभी जो है ना बाकी अभी कपड़े डाले हैं, बस अभी ये बच्चों के रह गए हैं और ये जो है ना नदीम भाई के रह गए हैं कपड़े, तो बस साथ मैंने जो है ना खाना भी रख लिया था। आज हम क्या बना रहे हैं भला? आलू गोश्त है ना, लाइक इसने निकाला भी है गोश्त, अगर इसको पता नहीं इसने वो भी गोया भी है। ये शनारा का दूध बॉयल किया ही है, पर मैंने रख दिया जी आलू गोश्त, आज हम बनाने लगे हैं आलू गोश्त। साथ ये कह जा रहे मेरा पीटी धो लो धो लो, और अब धो रही हो तो कह रही हूँ जल्दी से दूध दे दो। सही है। हाँ जी, आपको क्या चाहिए? दूध पजामा क्यों नहीं पहना है? नहीं। A few inches later. जी मेरा आलू गोश्त भी समझ लें कि बस रेडी है आज खाने में, मैंने कहा चलें आलू गोश्त बना लेते हैं और साथ हम बनाएंगे उबले हुए चावल, सफ़ेद बॉइल्ड राइस हम बनाएंगे। तो बस अभी मैं इसमें पानी डाल के इसको वेट दूंगी, तो कपड़े भी तकरीबन हमारे धुल गए हैं और जाना खाना भी हमारा पक गया है, तो बस अभी मैं किचन में ही हूँ खड़ी। आज का डे जो है ना हमारा बहुत बिजी डे है, पहले हम इसमें डालते हैं पानी और पानी डाल के फिर हम इसको देते हैं वेट। 2000 years later. जी तो खाना भी हमारा पक गया था, हमने खाना शाना भी खा लिया था, और क्योंकि खाने की तो वीडियो में आपको नहीं दिखा सके, जो खाना बनाया था आलू गोश्त बना था बहुत अच्छा बना था, और आज का जो दिन था हमारा बहुत बिजी डे था, बहुत बिजी दिन था आज हमारा। आज हमने कपड़े भी धोए और हाँ जी, और किचन भी समेटा आमना ने, फिर बाहर से उसने गिराया धोया, आज बहुत सारे काम किए, तो आज वो भी बहुत ज़्यादा थक गई है। सभी मैं कमरे में आई हूँ, तो मैंने आते ही जो है ना उसको ए सी ऑन कर लिया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा, लेकिन ये कि यहाँ पर रात के वक्त मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। तो बस ये थी हमारी आज की रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। A few moments later. जी तो ये था आज का हमारा बहुत ही प्यारा और छोटा सा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। इस तरह के मजीद अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, ताकि इसी तरह के बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स हम आपके लेके आ सकें। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करें, वीडियो को शेयर किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक किया करें। इस तरह के बहुत अच्छी अच्छी जो है ना हम व्लॉग्स आपके लिए डेली बेसिस पर जो है ना हम छोटे छोटे व्लॉग्स आपके लिए लेके आते रहे। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले से अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।